नमस्ते एंड वेलकम टू campuswar.com। आई एम साक्षी जय और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश इन 2007, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो एफिलिएटेड है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। Talking about accreditation and ranking, it is accredited by NEC with B++ grade. It is also accredited by NBA. It is approved by AICTE and it ranked 109 for engineering by the week in 2021. Moving on to courses and fee structure, ये ऑफर करता है BTech in 7 streams like CSE, Information Sciences and Engineering, Electrical and Communication etc. and MTech in Computer Science. BTech की फीस है 2 लाख रुपीज पर ईयर और MTech की फीस है 1 लाख रुपीज पर ईयर। Now let's talk about admission process and eligibility. For BTech, student should pass class 12th in PCM with 45% aggregate और ये accept करता है कर्नाटका CET, COMEDK के scores. For MTech, a bachelor's degree is required in BE BTech with 50% aggregate और ये accept करता है GATE या कर्नाटका PG CET के scores. प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जाता है अराउंड 13 लाख पर एनम का और एवरेज पैकेज है अराउंड 5.1 लाख पर एनम का। मेजर रिक्रूटर्स है TCS, Flipkart, HCL एक्सेट्रा। बात की जाए अगर लोकेशन की तो ये लोकेटेड है बैंगलोर में। इट इज 7.9 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड 35.2 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तो ये आपको प्रोवाइड कराता है ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेमिनार हॉल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस एक्सेट्रा। हॉस्टल फैसिलिटीज एंड बस फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो आज मैंने इस वीडियो में कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नए कॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।